एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मेसी ट्रांसफर। मेसी के पास अभी देखे तो टोटल चार ऑप्शन है, जिसमें सबसे मेन प्रायोरिटी ऑब्वियसली बार्सिलोना है अभी के लिए। लेकिन और जो तीन ऑप्शन है वो है अल हिलाल, 400 मिलियन यूरो डील, स्टेइंग इन पीएसजी, और एक है इंटर मियामी। लेकिन अभी के लिए मेसी का प्रायोरिटी है यूरोप में रहने का, तो इंटर मियामी को तो भूल ही जाओ। लेकिन अभी बात आता है कि कौन आगे है इस रेस में। पहले तो पीएसजी के बारे में बात करते हैं। पीएसजी अभी अगर मेसी को रखता भी है तो उनका प्रायोरिटी वो नहीं है, मतलब उनका सैलरी भी कम करना होगा तब पीएसजी मेसी को फटकने के लिए रेडी होंगे। और अभी के कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पीएसजी और मेसी ने अभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का नेगोशिएशन करना ही बंद कर दिया है। अगर पीएसजी अभी ऑफर देती भी है तो वो अभी के सैलरी से कम होगा, तो इनका चांस बहुत ही कम है मेसी को फिर से रिसाइन करने का। अभी बात करते हैं अल हिलाल का। देखो भाई, 400 मिलियन का ऑफर कोई छोटा रकम नहीं है, लेकिन मेसी मोस्ट लाइकली यूरोप में रहना चाहते हैं। और अगर अभी कंसीडर करें तो उनको साइन करने के लिए बार्सिलोना के सिवा कोई और क्लब अभी इस रेस में नहीं है। तो अगर बार्सिलोना गलती से भी ये मौका गवाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेसी अल हिलाल ही चूज करेंगे, क्योंकि बार्सिलोना की वजह से ही वो इतने सारे पैसे छोड़ने के लिए भी रेडी है। तो अल हिलाल एक ऑप्शन हो सकता है मेसी के लिए। अभी उनकी तरफ से और कोई ऑफर देखने को नहीं मिला है, तो 50% पकड़ के चलो अल हिलाल के पास चांस है मेसी को साइन करने का अगर बार्सिलोना नहीं कर पाती तो। बार्सिलोना क्या करना चाहती है? देखो, बार्सिलोना पहले से ऐसा कर नहीं रहा था, लेकिन जावी के आने के बाद उनका माइंड सेट चेंज हुआ और जावी ने लापोर्टा को मैनेज किया मेसी से बात करने के लिए और एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। और अगर ड्रेसिंग रूम की बात करें तो सब अभी मोटिवेटेड है कि मेसी बार्सिलोना वापस आएंगे। लेकिन अभी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी जान लो। ला लीगा ने अप्रूव तो अभी तक किया नहीं है बार्सिलोना को मेसी को वापस लाने के लिए, लेकिन बार्सा को अभी भी अपना वेज बिल ट्रिम करना होगा। और बार्सिलोना का ऑफर करीब 25 मिलियन यूरो पर ईयर या फिर 13 मिलियन यूरो पर ईयर का होगा, जो कि 2025 तक होगा। और 2024 में ऑप्शन दिया जाएगा अगर वो लीव करना चाहेंगे तो। 30 अप्रैल से पहले बार्सिलोना को अपना फाइनल बजट भी सबमिट करना होगा ला लीगा को, तब जाके ला लीगा अप्रूवल देगा। अभी बार्सिलोना का प्लान है दो प्लेयर्स को ट्रांसफर करने का और बहुत सारे प्लेयर्स का सैलरी कम करने का, और उसके साथ ही तीन और प्लेयर्स को साइन करने का अलोंग विद मेसी। सुनने में तो इजी लग रहा है पर है नहीं। अभी बार्सिलोना का प्लान है बार्सा स्टूडियोज का रिमेनिंग 24% सेल करने का, जिससे उनके पास 150 मिलियन यूरो कम से कम आ जाएंगे, जिससे वो ला लीगा के वेजेस भी पे करेंगे और साथ ही साथ मेसी को भी साइन करेंगे। और एक रिपोर्ट तो आ रहा था कुछ दिन पहले कि बार्सिलोना मेसी को उनके ही मर्चेंडाइज और जो कुछ भी सेल उनके नाम पे होगा उनमें से कुछ परसेंटेज उनको देंगे, तो इससे उनको सैलरी देने में भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैटर अभी जितना आसान लग रहा है नहीं, क्योंकि एक 400 मिलियन यूरो का ऑफर मेसी के सामने पड़ा है। वो चाहेंगे तो इजीली चले जाएंगे, कौन ही रोकेगा उनको। उनका प्रायोरिटी अभी उनको रोक रहा है और वो है बार्सिलोना। यही था एक छोटा सा अपडेट रिगार्डिंग मेसी ट्रांसफर। और सब्सक्राइब कर देना। बाय।